दोस्तों, आज मैं सन की बात करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। सन जो है आत्मा का कारक है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सन की अभी दशाएं नहीं चल रही है, या सन हमें इफेक्ट नहीं डाल रहा है, या कुछ ऐसा, बट इट्स रॉन्ग। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सन जो है आत्मा का कारक है, और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा सन से जुड़ी हुई है बड़े लेवल पर। यानी कि जैसे हमारी आत्मा सोल जो होती है वो किस तरह से काम करती है, रिलैक्स है या वो परेशान है, उसको कैसी फीलिंग आ रही है, वो बीमार है या बिल्कुल ठीक है, एनर्जेटिक है नहीं, वो सब चीज़ें जो है सन से रिलेट होता है बहुत हाई लेवल पर। क्योंकि सन जो है कालकुशा कुंडली में 5th नंबर है, उसको दिया गया है, ठीक है, हाउस, और वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सन जब नहीं होता तो बहुत डर भी फील करते हैं। एनर्जी का कारक है, हम किस तरह किस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और आपके फादर फिगर का कारक होता है, अथॉरिटी लेवल का कारक होता है, बॉसेस का कारक होता है, जो मेल पर्सन आपके लाइफ में है, बड़े आपके लाइफ में है, उनका कारक होता है। सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनाइज 15 जून को, और वहाँ पर वो 15 जुलाई 2023 तक रहने वाले हैं। एक महीने का सूर्य का संक्रांति होता है, यानी एक महीना वो हर जॉडिक साइन में विचरण करते हैं। सन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कभी आप अगर इस बात को आप सोचते हैं या कभी रियलाइज़ करेंगे या कि भाई हाँ वाकई में एक महीने पहले ये हो रहा था, एक महीने पहले ये चीज़ हो रही है, तो बहुत मोस्ट प्रॉबली है कि सन आपको बहुत हाई लेवल पर इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। बीमारी का कारक या बीमारी से रिलेटेड चीज़ें भी सन ही करते हैं। सारे जोड़े सैन के बारे में बताने वाली हूँ, कस्टमाइज करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सन जो है वो सेकेंड हाउस में थे और अब थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे एक महीने के लिए। सेकेंड हाउस से सन ट्रांजिट कर रहे हैं थर्ड हाउस में, कहीं ना कहीं एरीज पीपल जो है उनको अगले एक महीने में कुछ अच्छे मित्र मिलने की संभावना है। कि एरीज का स्वामी जो है वो मंगल है, एंड मंगल एंड सन दे आर वेरी वेरी गुड, आई कैन से फ्रेंड, वेरी बहुत अच्छे से उनका आई कैन से एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करती हूँ तो एरीज वालों के लिए बेटर रहेगा सन का थर्ड हाउस में ट्रांजिट करना। सेल्स मार्केटिंग बढ़ सकती है अगर आप इस जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। वर्चस्व बढ़ने की संभावना है, यानी कि वर्चस्व थर्ड हाउस है, वर्चस्व, ठीक है, इमेज जो है समाज में बेटर बनती है, आपके एफर्ट्स रंग लाते हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छे मित्र भी मिल सकते हैं, मित्र मंडली सपोर्ट भी कर सकती है। उसके अलावा सन जो है आपके 5th हाउस के कारक हैं, इन एरीज की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, योर रूटीन इनकम, दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। उसके अलावा नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, आप ट्रिप लगा सकते हैं, अथॉरिटी लेवल पर अच्छा आपको मिल सकता है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि इस समय अगर आप कोई नया कॉलेज जाने की सोच रहे थे या नहीं कोई पढ़ाई करने की सोच रहे थे, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टुवर्ड्स योर लर्निंग प्रोसेस। वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू फॉर एरीज पीपल। एंड 5th हाउस का कारक है तो डेफिनेटली आपको किड्स के साथ भी, आपके किड्स भी बड़े कॉलेज में जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं एजुकेशन की बात करती हूँ या लर्निंग प्रोसेस की बात करती हूँ, तो दिस वेरी पॉजिटिव थिंग। एरीज वालों की बात करी हूँ, गुड थिंग, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट ही मिलने वाला है, नाइस, अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे मित्र बनेंगे, उनका सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और टॉरस के 4th हाउस के स्वामी हैं। सन का फर्स्ट हाउस में आना फॉर द टॉरस पीपल वाज वेरी वेरी आई कैन से नॉट गुड फॉर द टॉरस पीपल, बिकॉज टॉरस का जो स्वामी है वो है शुक्र, और कहीं ना कहीं शुक्र और जो सन है दे आर नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड, इवन अच्छी शत्रुता मानी जाती है नदी के एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हो। कहीं ना कहीं इस समय टॉरस पीपल का दिमाग में जो गर्मी थी या वो होता ना कि एक वो फसीनेस या आई कैन सी कि मुझे ओवरलोडेड एक एनर्जेटिक फील कर रहे थे टूवर्ड्स नेगेटिव चीज़, एनजाइटी भी फील हो रही थी, वो सब चीज़ों से निजात मिलेगी, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड हाउस में आएंगे कहीं ना कहीं, और 4th हाउस के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं टॉरस वालों को इसमें अच्छी आई कैन से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है टूवर्ड्स योर होम टाउन। या हो सकता है माता के साथ संबंध सुधरें, या हो सकता है कि आप नया मकान ले लें, या हो सकता है कि आपकी फिक्स असेट्स आप बढ़ा लें। सेकेंड हाउस और 4th हाउस दोनों को ही आई कैन से इफेक्ट कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं। सर मैं आपका बेटर होता हुआ नजर आ रहा है टॉरस वालों की बात। सेविंग्स बढ़ सकती है, फिक्स असेट्स बढ़ सकती है, नया मकान ले सकते हैं। और अगर आप मकान लेने के लिए लोन लेने की सोच रहे थे या गवर्नमेंट से लोन लेने की सोच रहे थे या फादर से कोई सपोर्ट सिस्टम के लिए आप आशा कर रहे थे, तो इस समय हो सकता है कि आपको लोन मिल जाए, फिक्स असेट्स बढ़ा सकते हैं। मकान की बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ कि 4th हाउस से स्वामी है, FDs करवा सकते हैं, सेविंग्स बढ़ सकती है, गुड थिंग्स विल बी कम इन योर लाइफ। हो सकता है आप रिनोवेट करवाएं अपने मकान को, नए मकान की डील्स ले लें,
ज़मीनें खरीदें, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द टॉरस पीपल, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा अपना अगर आप रेंट के मकान में रहते थे, इससे हो सकता है मकान बनवाना शुरू करें, इन सब चीज़ों की आपको स्टार्ट कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद लीजिए, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। माता का आशीर्वाद लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हो जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए सन ट्रांजिट करने वाले हैं आपके फर्स्ट हाउस में, अब तक ये 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। तो आपको जेमिनाइज का स्वामी जो है वो है मरकरी, और मरकरी और सन बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। ठीक है, अब आपके फर्स्ट हाउस में सन आ गए हैं और सन जो है जेमिनाइज वालों की बात है, आपके थर्ड हाउस के स्वामी। ठीक है, तो पहले तो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे और जो भी टॉरस में, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी चीज़ें, आपकी एनर्जी, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी मेंटली एनर्जी, या किसी भी तरह की जो एक वर्क जो होता है आपका आपके लाइफ में, या वो कहते हैं कि मेरी तो यूज़लेस लाइफ हो रही है, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी का, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, नाउ आई कैन डू द थिंग्स, बेटर चीज़ फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप कुछ नई ज़िंदगी में नए कदम उठा सकते हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ें चेंज करें, शहर चेंज करें, बाहर शिफ्ट हो जाएं, या आपके आपने कुछ चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, आइदर योर जॉब, आइदर योर कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो होता है ना, कि जिससे आपको आपके जीवन को गुजारने के लिए शक्ति मिलती है, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका नया पार्टनर हो, चाहे आपके नए फ्रेंड्स हों, या आपकी फिज़िकल एक स्ट्रेंथ हो कि आप कितने स्ट्रांग हैं फिज़िकली, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आपका दिमाग भी खुलेगा, एक नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये ट्रांजिट होता हुआ नज़र आ रहा है। 12th हाउस में था, 12th हाउस में सन का होना वेरी बैड, और अब फर्स्ट हाउस में वो आ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनी पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल के साथ भी सपोर्ट बढ़ने वाली है। उसके अलावा आप अब खुला हुआ महसूस करेंगे, एक होते ना मैं जकड़ा हुआ सा इंसान होता है, वो एकदम से खुला हुआ महसूस करेगा, दिमाग खुल जाएगा, आइडियाज निकलेंगे, नई नई चीज़ें आप अप करेंगे, नया काम करेंगे, एक अपने आपको फैला देंगे, वर्चस्व बढ़ेगा, इमेज अच्छी होने वाली है। दिस वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनाइज पीपल। उसके अलावा कम्युनिकेशन पावर भी आपकी बढ़ेगी, कहीं कम्युनिकेशन लैक हो रहा था किसी के साथ भी, फ्रेंड सर्कल के साथ में भी, या जॉब में भी, किसी के साथ में भी हो रहा था, तो वो सब चीज़ों को आप कलेक्ट करेंगे। बेटर टाइम फॉर यू, वेरी बेटर टाइम, बहुत अच्छा समय आपका। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट कर रहे थे आपके 11th हाउस में, और अब आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, और कैंसर के सेकंड हाउस के स्वामी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कैंसर वालों को का राशि लॉर्ड जो है वो है मून। अच्छा फ्रेंड है सन का, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं होता है जो लोग की दोनों का जो नेचर है, सन एंड मून दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। सन जहाँ पर बहुत एनर्जेटिक, हॉट, अग्रेसिव, एकदम एरोगेंट इस तरह का प्लैनेट है और ईगो वाला प्लैनेट है, वहीं मून एकदम शांत, रिलैक्स, ठंडा, फीमेल एनर्जी वाला, रिलैक्स वाला, एकदम होता है ना शांत वाला, सेंसिटिव वाला प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं मित्रता है, बट नेचर में इतना डिफरेंस होने की वजह से दोनों के साथ में एक जगह होना या एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है, ठीक है, दिस इज़ द साइंटिफिक थिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को सूर्य की पावर चाहिए होती है हमेशा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपको हमेशा सूर्य की पावर चाहिए होती है, लेकिन सूर्य अब आ गया आपके 12th हाउस को ट्रांजिट करने के लिए। 11th हाउस में चल रहे थे, बहुत अच्छा था, इनकम बढ़ी हुई थी, सेविंग्स बढ़ रही थी, क्योंकि सेकेंड हाउस को स्वामी है, लेकिन अब आ गए हैं 12th हाउस में, कहीं ना कहीं खर्चा हाई लेवल पर बढ़ने की संभावना है, पहली चीज़। उसके अलावा एक और पॉसिबल हो सकता है, इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं विदेशों में, अपनी फैमिली के साथ में भी ट्रिप लगा सकते हैं विदेशों की अगर बात, लेकिन खर्चा पड़ेगा जब आप विदेश जाएंगे, डेफिनेटली आप खर्चा करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है निकलती हुई नज़र आएगी आपको, जो इनकम आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि रुक गया है, इनकम नहीं आ रही है, जेब में पैसा नहीं आ रहा है, या फिक्स सेट्स भी मेरी निकल रही है और रेगुलरली काम खर्चा करना पड़ रहा है, इस तरह की आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी एनर्जी या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका भी वह होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा हमेशा सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो वो 12th हाउस में आ गया, 12th हाउस के लॉस का खाना बना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, इससे मैं आप बीमार भी हो सकते हैं, कैंसर वालों की बात है, एनर्जी लेस फील करना, या आइडिया नहीं आना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैड हैबिट्स से भी दूर रहिएगा, हो सकता है आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा, कुछ बैड हैबिट्स में जाए। ठीक है,
ठीक है, और सेकंड हाउस का स्वामी है आपका, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग्स है या आपकी जो एक फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है उसमें भी आपको लगेगा कि रिलेशन भी बैठ नहीं पा रहा है ठीक से। इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कैंसर वालों को, बी अलर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत जल्दी डिसीजन लेना या बहुत इमोशनल लेवल पर जाकर डिसीजन लेना या सेंसिटिव लेवल पर जाकर डिसीजन लेना अवॉइड कीजिए, बाय डिसीजन ना ले सकते, नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, लियोज का स्वामी तो खुद सन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस समय लियोज वालों की अगर बात करती हूँ तो हाई लेवल पे गेनिंग, इंक्रीमेंट या रुका हुआ पैसा आना, या आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा होगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, अब आइडियाज निकलेंगे, अब आपका दिमाग सिर्फ आपकी अर्निंग में जाएगा, उसके अलावा आपके नेटवर्क को बढ़ाएंगे इस समय। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं जैसे यूट्यूबर है या नेटवर्क के थ्रू कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी काम आप करते हैं, डिज़ाइनर हैं, कुछ भी सेल मार्केटिंग कुछ भी आप काम करते हैं, लिखते हैं, सिंगिंग करते हैं, जो भी नेटवर्क से होता है, ऑनलाइन होता है, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आने की तैयारी। मनी बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ेगा, फेमस वाले लेवल पर आप बढ़ेंगे, उसके अलावा आपके आइडियाज़ भी काम करेंगे। कभी कभी होता है ना, इंसान बहुत सोच रहा है पर कुछ हो ही नहीं रहा है, अब आप जो सोचेंगे वो करेंगे। इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको, इस समय अच्छे पैकेज का ऑफर भी आ सकता है जॉब में। उसके अलावा हो सकता है कि आपको आपके बड़े एल्डर्स, भाई बहन जो भी हैं, ब्रदर हैं जो भी हैं, उनके साथ सपोर्ट सिस्टम भी मिलने की तैयारी है। मनी तो आएगा डेफिनेटली, विशेज विल बी कम ट्रू ऑफ द लियोज पीपल, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ये ट्रांजिट होता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ेगी, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे, नेटवर्किंग साइड बढ़ रही है जैसे मैंने बताया, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। आइडियाज निकालिए, सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटर बेटर बेटर, अपना आइडिया निकालिए और उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, और इस समय आपको बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले जा सकता है, रूटीन इनकम भी बढ़ेगी, गुड टाइम फॉर यू। इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको लव अफेयर्स भी बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली यूज ऑन, समय बहुत अच्छा पॉजिटिव बताओ नजर आ, गुड टाइम। वर्गोज वालों की बात करूँ, वर्गोज वालों के लिए ये ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहे थे 9th हाउस में, आप ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में, वर्गोज के ये 12th हाउस के स्वामी, ठीक है। वर्गोज वालों के लिए 10th हाउस के में ट्रांजिट करने वाले हैं, और वर्गोज का जो स्वामी है मरकरी, वो ही 10th हाउस में भी है, यानी कि मरकरी में ही ये ट्रांजिट कर रहे हैं जेमिनी से, ठीक है। तो वर्गोज वालों को इस समय सन की पूरी पूरी सपोर्टिव जो एक होता है ना कि अथॉरिटी नेचर से मिल सकता है, बॉसेस से मिल सकता है, फादर से मिल सकता है, इस समय आपके करियर में एक अलग तरह का चेंज फॉर द गुड मैनर, उसके अलावा एक डिफरेंट टाइप का एक सपोर्ट सिस्टम आपको फील होगा, आपको लगेगा कि चीज़ें होती हुई चली जा रही है इन योर करियर, क्योंकि 10th हाउस आपका करियर है, जहाँ से आप डिले हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था, जहाँ से डिले हो रहा था, चीज़ नहीं हो रही थी, कुछ आप वेट कर रहे थे किसी इंटरव्यू का, आप वेट कर रहे थे किसी पैकेज का या जॉब का या पोस्ट का, दैट कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको वो चीज़ मिले। आपके 12th हाउस का स्वामी है सन और आ रहा है आपके 10th हाउस पे, कहीं ना कहीं आपको कहीं विदेश से या डिफरेंट कम्युनिटी से भी कुछ इस तरह के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, दूसरे शहर में भी आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप आपका जॉब सेट कर सकते हैं, बिजनेस में है तो वहाँ भी बहुत अच्छे आपको हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज मिले। समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मरकरी में आ रहा है, जेमिनी में आ रहा है, और मरकरी आपका खुद का राशि लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है आपकी जॉब का, आपकी करियर का, वहाँ पर सन का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको। आपका राशि लॉर्ड मरकरी है तो सन के साथ बहुत अच्छी नजरता है। अगर आप वर्गोज वालों की बात करें, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आप पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, गुड, बहुत अच्छा समय है। आपको फादर का भी कोई बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मिल सकता है आपको कोई आई कैन से प्रमोशन मिल सकता है, या अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने तो दिस इज द टाइम फॉर द वर्गोज पीपल, डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। रुकी पेंशन स्टार्ट हो सकती है, खर्चा बढ़ेगा, डोनेट सम मनी, डिफरेंट कम्युनिटी से भी आपको ऑफर्स मिल सकता है, बट आई सेड डोनेट सम मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा फॉर वर्गोज पीपल। लिब्रा वालों की बात करी हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, अब आएंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में लिब्रा वालों के लिए सन का आना, लिब्रा का जो स्वामी है वो है शुक्र, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी को वो हवा दे रहे हैं, मतलब उनको उसको सपोर्ट दे रहे हैं सन आकर के 9th हाउस में। सबसे बड़ा काम आपको लिब्रा वालों को ये करना पड़ेगा वो ये है कि बी स्पिरिचुअल और
सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कीजिए अगर आपको ये समय कैश करना है तो, क्योंकि डेस्टिनी प्लेस पे आ गया है तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, उसको एनर्जी दे रहा है। सूर्य क्या एनर्जी का कारक है, आपको एनर्जी देता है, ठीक है। तो इस समय डेस्टिनी प्लेस पे आया है तो डेस्टिनी प्लेस पे ऑलरेडी से जो नाइन्थ हाउस है वो गुरु का स्थान है, ठीक है। वहाँ सचुएस आता है, यानी कि जुपिटर को जगह दे रखी है, एंड जुपिटर की जगह पर सन का आना कहीं ना कहीं वो हर उस चीज़ को एनर्जी दे रहा है जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम दे इन योर किस्मत, इन योर डेस्टिनी। आपके फादर से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोई गुरु आप नया बना सकती हैं, हो सकता है कि आपको कोई नया गाइड मिले आपके लाइफ में। लिब्रा वालों के लिए भी सब बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। और आपके ये 11th हाउस के लॉर्ड है इन योर हाउस, लिब्रा वालों की बात करें तो डेस्टिनी एंड 11th हाउस, मतलब 9th और 11th दोनों जो हाउसेज हैं उनको उसको एनर्जी मिल रही है, तो इनकम बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके जितने भी एफर्ट्स हैं ना, जो आप पूरे कर्मा कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये जो समय है इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, विशेस जो आपकी वो फुलफिल होगी, जो ड्रीम आपने सोचा था कि मुझे ये होना चाहिए, मेरी किस्मत नहीं आ नहीं रहा है, किसी भी चीज़ को रिलेटेड किस्मत का जागृत होना, दिस इज़ द टाइम फॉर द लिब्रा पीपल। बी स्पिरिचुअल और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की, स्कॉर्पियोज वालों के लिए 8000 ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके 7000 ट्रांजिट करते हैं 8000 ट्रांजिट। स्कॉर्पियोज वालों के लिए समय थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एट हाउस में सन का आना ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होने की संभावना, और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, ठीक है, यस आपके 10th हाउस के स्वामी हैं और आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, ठीक है, वृश्चिक राशि वालों की, कहीं ना कहीं आपको एक वो होता है ना कि मेरा करियर या मेरी स्टेबिलिटी, 10th हाउस स्टेबिलिटी और करियर, योर कर्मास कैप्रिकॉन आता है वहाँ पर उन कालकुशा कुंडली, तो जो कर्म है वो मैं इतने कर्म कर रहा हूँ लेकिन वो उन सबका कुछ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिवर्ट ही नहीं आ रहा, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करेंगे, सब लो एनर्जी, जस्ट डाउन, यू फील लाइक कि मेरे में एनर्जी नहीं है, मतलब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, या क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है सन वो जाके आपके 8th हाउस में बैठी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करेंगे। और अगर आप एनर्जी भी लाएंगे अपने अंदर कुछ भी तरह की अगर आपको, तो वो भी गुस्से में आएगी, वो भी आपको नेगेटिव एनर्जी आप निकाल के लेकर के आएंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा आपके जैसे मेरा 10th हाउस के लॉर्ड है सन, तो कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ बड़ी मुश्किलें इस वक्त आ सकती हैं। बड़े लेवल पर डिसीजन मत लीजिए टूवर्ड्स योर करियर, अग्रेसिव नेचर को लेस कीजिए, अपनी एनर्जी को मेंटेन रख पाइए, तो ऐसा कुछ काम कीजिए। कम्युनिकेशन भी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जेमिनाइज में ट्रांसिट कर रहे हैं, तो कहने के आप जब कम्युनिकेशन विद समवन कोई भी आपके लाइफ में हो तो उस आपको बहुत कूल होकर के उससे बात करनी होगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है वर्क प्लेस में। और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लॉस तक भी कुछ खटपट हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आने जाने से सावधानी रखिएगा, ट्रैवलिंग में सावधानी रखिएगा, और अपने नेचर को रिलैक्स करके रखिएगा। बड़े डिसीजन टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं लेने हैं इस समय, शांति से ही समय निकालिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वक्त एक और चीज़ हो सकती है स्कॉर्पियोज वालों को, वो ये हो सकता है कि इस वक्त हो सकता है आप इस तरह का कोई करियर नया ऑप्ट करें, रिलेटेड ऑकल्ट साइंस, रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड हीलर, टैरो कार्ड रीडिंग, जो इस तरह के जो वर्क होते हैं उन टाइप का हो सकता है आप इस समय कोई करियर को ऑप्ट करने की सोचें, या कोर्स करें या कुछ ट्रेनिंग लें इस तरह की, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इससे हो सकता है आप इस तरह के लोगों को एडवाइस ही बहुत ज़्यादा लेंगे, अगर आप ज़्यादा फंसी फील करते हैं डेफिनेटली, तो आप एडवाइस लेंगे कि मैं क्या करूँ, कोई स्टोन पहनेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको बहुत रुझान फील होगी, सर एनर्जी उसमें जा रही है ना, बी कॉशियस, ठीक है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की, आपके ये 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, इसके पहले ये आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। सेजिटेरियस का स्वामी है वो है गुरु, गुरु एंड सन इज वेरी गुड फ्रेंड, नो डाउट, अच्छा सब बहुत अच्छा है, आपस में इनकी मित्रता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन 7th हाउस में सन इज नॉट अ गुड पोजिशन। अगर परमानेंटली आपकी होरोस्कोप में, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में टूवर्ड्स योर मैरिड लाइफ की बात ना करें, स्पाउस के साथ में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन अभी जो एक महीना है इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, इसमें भी आपको हो सकता है आपके साथ जो आपका स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है
इन योर रिलेशनशिप में, अगर आप किसी के साथ में है, किसी के साथ में भी, तो हो सकता है इससे मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सामने से रिवर्ट नहीं आ रहा, वहाँ से आपको ईगो फील होगा, कट ऑफ स्थिति होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बात करने में आपको लगेगा कि बहुत ब्लंटली बात हो रही है या अवॉइड किया जा रहा है, या मैं रेगुलरली बात कर रहा हूँ या मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ से कर रही हूँ, वहाँ से मुझे रिवर्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि वो टूटता हुआ नज़र आएगा, बॉन्डिंग लेस फील करेंगे समय, क्योंकि सेवंथ हाउस में जब आता है सन तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अवॉइड, मतलब अवॉइड नॉट कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को, अग्रेसिव वाला रिलेशनशिप आप फील कर सकते हैं। गर्मा गर्मी फटाफट डिबेट हो जाना, क्योंकि जेमिनाइज में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत इजीली डिबेट हो जाना, बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, बड़े लेवल पे अवॉइडिंग सिस्टम हो सकता है। इस समय ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है उसको वो आपसे दूर जाए फिजिकली, हो सकता है कि उसका ट्रांसफर हो गया, मेंटली दूर तो होगा ही होगा बिकॉज ऑफ द सन इज ट्रांजिटिंग देयर, जो सारी जो एनर्जी मिल करके जो आ रही है वो वहाँ पर आ रही है। पर्सिस्टेंस वालों के लिए जो सन है वो आपके नाइंथ हाउस का लॉर्ड है, यस नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है वो और आपका सेवंथ हाउस है, दोनों जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। अपने रिलेशंस को आपको संभालना पड़ेगा, आपको कूलली रहकर के इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ रुकी हुई रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है बड़ी। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बी रिलैक्स, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप सेटअप कर पाएंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम भी आ रही है तो जाकर के दोनों साथ में जाकर के मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए, विल बी गुड फॉर यू। और कम्युनिकेशन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लंट नहीं बोलना। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सिक्स हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए अभी तक सन जो है फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, बहुत ही कूल सिस्टम हो रहा था। फिफ्थ हाउस में का तो कारक ही सन है खुद है, और कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सन जो है आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड है और आकर के बैठ गए आपके सिक्स हाउस, मतलब एट्थ हाउस और सिक्स हाउस दोनों ही आपके इस वक्त जो है एक्टिव हो रहे हैं सन की वजह से, सन ट्रांजिटिंग की वजह से। आपका राशि लॉर्ड है सैटर्न, बिल्कुल भी बहुत अच्छी मित्रता नहीं है सन और सैटर्न, दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब आई कैन से कटु होते शत्रुता है अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ। इस समय आपको सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की डूबती हुई से नज़र आएगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मतलब एक होता है ना कि समेट नहीं पा रहा हूँ किस चीज़ को। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ गिरने की संभावना है। उसके अलावा आने जाने में सावधानी रखिए, देखिए आपके और नए आप हो सकता है कि शत्रु भी बना लें, कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, नए शत्रु बना लें आप अपनी लाइफ, नए लोन बिल्कुल नहीं लीजिए। सपोर्ट सिस्टम कहीं से मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एट्थ हाउस का स्वामी है, वो जो सारे सपोर्ट सिस्टम जो मिलते हुए नज़र आ रहे थे या हो रहा था अब तक, वो आपको लगेगा कि वो सारे खड्डे में चले गए, मतलब वो कहीं कुछ है ही नहीं। यू फील लाइक जैसे आप कितना हाथ पांव मार रहे हैं तो उसको आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एनर्जी बिल्कुल खत्म होती हुई नज़र आएगी, एनर्जी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपको, आपको लगेगा कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ है, नया लोन मत लीजिए, दूसरी चीज़ है। उसके अलावा तीसरी एक और चीज़ है, वो ये है कि इस समय आपका सिक्स और एट्थ हाउस दोनों ही जो दुस्ताना प्लेस है वो एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नेग्लेक्ट मत कीजिए किसी बीमारी को लेकर, नए दुश्मन भी सामने आ सकते हैं घूम घूम कर। समय अच्छा नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, समय भी अच्छा नहीं है अगर मैं सन ट्रांजिटिंग की बात करूँ, एनर्जी लेस और बीमारी और इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो है आपके पास। लोन भी अगर आपने ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए भी आपको प्रॉब्लम आएगी सर, ऑलरेडी जो लोन ले रखा है, उधार जो ले रखा है, अब आपका दिमाग है कि मैं चुकाऊँ कैसे, और एट का स्वामी है तो वैसे ही वो तो पूरा डेब्ट का बिल्कुल डूबत का प्लेस है, टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोच समझ के आगे बढ़िएगा, खर्चे बढ़ने की बहुत हाई लेवल पर संभावना है। पैसे के को लेकर के अगर बात करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों के लिए ये फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एक्वेरियस वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, शनि ऑलरेडी से आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 17 तारीख, ठीक है, मेरा लास्ट वीडियो इसी के था, और अब सैटर्न आ गए हैं आपके फिफ्थ हाउस में, सन आ गए फिफ्थ हाउस में, सन फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं कल्पवृक्ष कुंडली में, यानी कि फिफ्थ हाउस में सन जब ट्रांजिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है इन योर लाइफ,
चाहे मैं आपकी हाई एजुकेशन की बात कर लूँ, आपके मंत्रास की बात कर लूँ, आपकी एनर्जी की बात कर लूँ, कंप्लीट यू फील लाइक वेरी एनर्जेटिक नाउ. फोर्थ हाउस में सैटर्न चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं थे. फोर्थ हाउस इज प्लेस फॉर द मून, ठीक है. अब आप यू फील वेरी एनर्जेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके अलावा आप ऊपर से आगे काम भी करेंगे, आपकी लाइफ का आपको करना क्या है, करियर में आगे क्या करना है, आपकी किड्स अगर हैं तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, हायर लर्निंग के बारे में सोचेंगे, रूटीन इनकम के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक होता है ना प्रॉस्पेरिटी आप फील करेंगे इस समय, क्योंकि सन फिफ्थ हाउस के कारक और वहाँ पर ही आकर के ट्रांजिट कर रहे हैं अगले एक महीने के लिए. तो कंप्लीट आपकी जो होरोस्कोप है ना उसको एनर्जी दे रहे हैं इस समय, फुल एनर्जी. फिफ्थ हाउस में सन फुल एनर्जी से ट्रांजिट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल. करियर के लिए बहुत अच्छा है. देखिए कभी कभी होता है ना कि कोई प्लेनेट जब ट्रांजिट करता है या आपके होरोस्कोप में होता है तो कुछ फील्ड्स में तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है और कुछ फील्ड में ही वही प्लेनेट खराब रिजल्ट देता है. तो इस समय आपके करियर के लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है. आपके सेवंथ हाउस का स्वामी भी है, सन की बात करती हूँ मैं, सेवंथ हाउस का स्वामी है. यस, सेवंथ हाउस का स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी पूरी दे रहा है. सेवंथ हाउस भी आपको कहीं ना कहीं एक्टिव कर रहा है. उसके अलावा लेकिन आपके लव अफेयर्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है. कहीं ना कहीं आपको इस समय आपके अगर आप डेटिंग कर रहे थे या किसी साथ रिलेशनशिप में भी थे लव अफेयर्स में तो हो सकता है इस समय आप बहुत अनइजी फील कर रहे हो उसको. बट करियर के लिए इज़ वेरी गुड टाइम. और अगर आप प्लान कर रहे हैं आपके घर में कोई नन्ना मेहमान आए तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर, डेफिनेटली अच्छा समय, बहुत अच्छा समय. हो सकता है इस समय आपकी स्पाउस को भी कोई जॉब मिले, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है. करियर के लिए बहुत अच्छा समय, रूटीन इनकम, मंत्रास, एनर्जी, गुड समय. बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की. फाइनली पाइसेस वालों के लिए फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं. पाइसेस वालों के लिए पहले ट्रांजिट कर रहे थे थर्ड हाउस में, यस. अब आ गए फोर्थ हाउस में. फोर्थ हाउस मून प्लेस होता है जहाँ पे चंद्रमा होता है, ठीक है. वहाँ पे जैसे बिल्कुल एक कूल प्लेस, शांति वाली जगह पे सडनली सन आ गया एकदम एनर्जी वाली प्लेस पर, तो आपको सबसे पहले तो वो जो मून का प्लेस है, मून इज ए शीतल ठंडा पानी, रिलैक्स, वहाँ सडनली बॉइलिंग होने लग गया पानी, तो वो वाली स्थिति पाइसेस वालों को इस समय फील हो सकती है. पहली चीज़, सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए. अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी थी या है तो उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पाइसेस वालों को एक और मैं बात कहना चाहूँ कि आपका जो राशि लॉर्ड है जुपिटर सेकेंड हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहा है इस समय, ठीक है, और बैठा है एरीज में. काल गुरु चंडा लोग बना रहे राहू के साथ, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ या आपका सोच विचार बहुत ज़्यादा इस वक्त वैसे ऑलरेडी से बहुत अच्छा प्रॉपर नहीं हो रहा है और अब सन आ गए फोर्थ हाउस में. कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मैंने जैसे बताया आपको हार्ट से रिलेटेड या एनजाइटी या इस तरह की चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील हो सकती है, ठीक है. उसके अलावा रिलैक्स नहीं फील करेंगे इस समय. एनर्जी भी देखिए फोर्थ हाउस में एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक तो फील करेंगे, लेकिन वो एनर्जी आपको दौड़ाएगी बिना मतलब के, मतलब होता है कि मन में एनर्जी हो रही है कुछ करना है क्या नहीं करना, लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती है. उसके अलावा सन जो है आपके सिक्स हाउस के स्वामी हैं, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा आपकी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा. घर से रिलेटेड कोई भी नई डीलिंग करना या कुछ नया काम स्टार्ट करना इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस समय. अगर आप लोन भी लेना चाह रहे हैं इस समय अपने घर को के लिए या मकान से लिए या कोई डील करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके इसको आगे बढ़िए. समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा. एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रही है बिना मतलब की एंजाइटी इस तरह की चीज़. रिलैक्स कीजिए. उसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए. और बहुत ज़्यादा डिसीजन मत लीजिए गर्म में, मतलब गुस्से में डिसीजन ज़्यादा मत लीजिए. जुपिटर आपका राशि लॉर्ड है, कहीं ना कहीं वो एकदम हट वाली स्थिति जुपिटर की होती है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के डिसीजन लेना या तुरंत से कर लेना, होम टाउन में रिलैक्स नहीं करेंगे, घर में रिलैक्स फील नहीं करेंगे. आपको लगेगा सब मेरे दुश्मन है, घर ही अच्छा नहीं लग रहा, भाग जाओ यहाँ से, इस तरह की फीलिंग आ सकती है. बट डोंट डू बिग डिसीजन, ठीक है. तो मेरा बहुत और उसके अलावा सूर्यदेव को जल चढ़ाइए पैसे. तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन जेमिनाइज. ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जेमिनाइज में जा रहे हैं, मरकरी बहुत अच्छा मित्र है सूर्य का. लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ जो जोड़ियक है उनको कुछ तकलीफ आ सकती है. तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड